नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज आपको बताएंगे कि कैसे एक लोकगीत ने ईरान की कट्टरपंथी सरकार को ध्वस्त कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईरान की, जहां के राष्ट्रपति चुनाव में इस बार रिफॉर्मिस्ट नेता मसूद पजेशकियान ने जीत हासिल की है। वहीं सुप्रीम लीडर के करीबी माने जाने वाले कट्टरपंथी जलीली को हार का सामना करना पड़ा है। ईरान में राष्ट्रपति पद के चुनाव के बाद सत्ता में बड़ा उलटफेर हो गया है। पिछले सप्ताह हुए मतदान में शीर्ष स्थान पर रहे दो उम्मीदवारों के बीच सीधे मुकाबले में सुधारवादी नेता मसूद पजेशकियान ने कट्टरपंथी सईद जलीली को हराकर जीत हासिल की। ईरान में पिछले महीने एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो जाने के बाद ये चुनाव हुए। शुक्रवार को मसूद पजेशकियान और जलीली के बीच सीधे मुकाबले के तहत मतदान हुआ। पजेशकियान ने 1,63,00,000 मतों के साथ विजयी घोषित किए गए, जबकि जलीली को 1,35,00,000 वोट मिले। लेकिन इस जीत का श्रेय बेला साओ नामक एक लोकगीत को जाता है, जो अपने हक की लड़ाई के दौरान ईरान की महिलाएं गाती रहीं। बेला साओ गीत ने ईरान की सत्ता से कट्टरपंथियों को उतारने में बड़ा रोल अदा किया। ये गीत हिजाब विरोधी मुहिम में आग में घी डालने का काम किया। आइए पहले सुनते हैं इस गीत को। Bello ciao, bello ciao, bello ciao, ciao, ciao می پریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا خاک این گندم تو خیابونه خوشه یه خشم من و تو تشنه یه بارون حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تاره این یه آغازه پنجره تا رویا بازه از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا آیه جانتے ہیں کہ یہ گیت لوگوں کو کیوں اتنا اپیل کیا क्यों बेला साओ लोकगीत क्रांति का गीत बन गया। तो आपको बता दें कि ईरानी महिलाओं की क्रांति की चिंगारी बन गया था बेला साओ लोकगीत। लोकगीत का पारसी वर्जन ईरानी लड़कियों की आवाज में बनाया गया और इसे सब में फैलाया गया। जो आप ये संगीत सुन रहे थे ये पारसी वर्जन था। बेला साओ का मतलब होता है गुड बाय ब्यूटीफुल। मशहूर इटालियन लोकगीत है बेला साओ। ईरानी महिलाओं के लिए क्रांति की चिंगारी बन गया था बेला साओ। ईरानी लड़की अमीनी की हत्या पर सहानुभूति जताने के लिए फारसी भाषा में बेला पाओ ईरान की लड़कियां गाना गाती रहीं। उन्होंने फारसी वर्जन इसका निकाला था इस गीत का। गीत के माध्यम से ईरानी लड़कियां आजादी चाहती थी। असल में बेला साओ एक इटालियन प्रोटेस्ट फोक सॉन्ग था, जिसे 19वीं सेंचुरी में उत्तर इटली के धान के खेत में काम करने वाले मोंडीना किसानों द्वारा गाया गया पहली बार। इस गाने से किसान अपने ऊपर हो रहे कठोर परिस्थितियों का विरोध करते थे और आने वाले अच्छे दिनों की कामना करते थे। इसी लोकगीत ने सत्ता परिवर्तन की रूपरेखा तय कर दी थी। वहीं 28 जून को मतदान के शुरुआती दौर में किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले थे, जिसके कारण शीर्ष दो उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला हुआ। मसूद पजेशकियान
की बढ़त मजबूत होने के साथ ही उनके समर्थकों ने तेहरान और अन्य शहरों में सड़कों पर उतरकर जश्न मनाना शुरू कर दिया। ये चुनाव ऐसे समय में हुए जब इजराइल हमास के बीच जारी तनाव को लेकर पश्चिम एशिया में व्यापक स्तर पर विरोध और प्रदर्शन चल रहा है और ईरान पिछले वर्षों से आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। मसूद का झुकाव पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी की ओर है, जिनके शासन के तहत तेहरान ने विश्व शक्तियों के साथ 201 ऐप पर परमाणु समझौता किया था। हालांकि यह पुराना समझौता रद्द हो गया था और कट्टरपंथी नेता दोबारा सत्ता पर काबिज हो गए। आपको बता दें, हृदय रोग विशेषज्ञ मसूद केजिसियान, जो कि 70 साल के हैं, फिर से परमाणु समझौता करने और पश्चिमी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने के पक्षधर हैं। केजिसियान की छवि सुधारवादी नेता की है, हालांकि वह अभी भी मानते हैं कि सभी मामलों में सुप्रीम लीडर ही आखिरी मध्यस्थ है। जलीली को सुप्रीम लीडर खामनेई का बेहद करीबी माना जाता रहा है। जलीली को आयतुल्ला अली खामनेई का भी उत्तराधिकारी माना जाता था। बता दें कि ईरान के नियमों के मुताबिक अगर राष्ट्रपति किसी कारण से पद पर नहीं रहते हैं तो 50 दिन के अंदर ही चुनाव कराना होता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो विशेष मेहमान मौजूद हैं। अनिल गौड़ जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ, सामरिक विषयों पर हमारे जानकारी देंगे, और डॉक्टर मोहम्मद अमीन, राजनीतिक विश्लेषक। मोहम्मद अमीन साहब, पहला सवाल आपसे, जो ईरान की परिस्थितियां हैं, अब क्या लग रहा है, ईरान कट्टरपंथियों से मुक्त हो जाएगा या अभी भी कसमकस रहेगी? लेकिन जहां तक सवाल है हमारे देश का, तो हमारे देश का जो संबंध है वो दशकों पुराना है ईरान से। ऐसे कोई आज की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। और बहुत कुछ कल्चर, अब मैं ईरान गया भी हूँ, 2008 में मैं गया था, और ऐसा नहीं है वहां पर। हमारे देश की बड़ी मान्यता है भारत की, और आप देखेंगे कि जो नए हमारे राष्ट्रपति बने हैं वहाँ पर मसूद साहब, तो मसूद साहब जो हैं वो उदारवादी नेताओं में से एक हैं और रिफॉर्म करने के लिए जाने जाते हैं। उनके जो दिमाग में है कि हम अब कट्टरपंथी छोड़ें, लेकिन देखना पड़ेगा कि चाहते हैं और व्यापार में सुधार चाहते हैं और जो लोगों से व्यापारिक समझौता करना चाहते हैं और लोगों को जो पुरानी चीजें हैं उनको रिवाइव करना चाहते हैं, क्योंकि उन पर यूएस ने इतने प्रतिबंध लगा दिए हैं, उसके चीजें दबे हुए हैं, जिससे उनको कोई ना बढ़ सकते हैं ना कहीं डेवलपमेंट हो सकता है, उनपे इतने सैंक्शन लगे हुए हैं। तो देखिए ये क्या है, लेकिन फिर भी एक बात देखनी होगी कि इनके रिफॉर्म करने से क्या आयतुल्ला खुमैनी इनको परमिशन देंगे, जो इनके सुप्रीम लीडर हैं। अगर वो सुप्रीम लीडर इनके साथ राजी हो जाते हैं और स्थिति देश की जो है देखने वाली, चारों तरफ युद्ध का माहौल है, कहीं पर पार्टियां नहीं है। देखिए ब्रिटेन में भी अभी सीधा सीधा हार गई पार्टी, उसके बाद आप देखिए कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, रशिया युद्ध चल रहा है, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, कल ही गए थे वहां पर रशिया में। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं, और हमारी तो हमेशा 1-to-1 ईरान से बात रही है, जिसे आप देखिए चार बाहर के बारे में, बंदरगाह के बारे में। अभी जो बड़ा सवाल है कि क्या ईरान में जो सुधारवादी नेता आए हुए हैं मसूद पेजेसियान, वो बदलाव ला पाएंगे कि नहीं? हिजाब को लेकर पूरा ईरान उबल पड़ा था, जो हम लोगों ने बेला साव का गीत सुनाया, लोकगीत, आपको हमने डिटेल में बताया कि इस गीत का पारसी वर्जन निकालकर ईरानी लड़कियों ने गाया सड़क पे। कई तस्वीरें ऐसी आई जिसमें लड़कियों ने हिजाब का विरोध करने के लिए अपने पूरे पूरे कपड़े उतार दिए, यानी वो अपनी जान की बाजी लगाकर भी इस तरह के प्रतिबंधों को नकार रही हैं। लेकिन ईरान की कट्टरपंथी सरकार अपनी मुश्किलों का हल पाने के लिए और ज़्यादा कट्टरता की ओर बढ़ रही थी, तो क्या नए सुधारवादी नेता के आने के बाद कट्टरता का अंत है या थोड़ा बहुत सुधार होगा? नहीं, इसमें देखिए प्रसन्न जी, थोड़ा बहुत सुधार होगा, और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे सुधार लाने में ये कामयाब भी रहेंगे, क्योंकि ये उदारवादी नेता हैं, ये चाहेंगे देश की तरक्की पे ले जाना, देश के प्रतिबंधों से हटाना, और देश के समाज पे जिस तरह से इनको चुना गया है, वहाँ की जनता ने चुना है, जिसमें कि
लेडीज का बहुत बड़ा रोल है, बच्चों लेडीज लड़कियों का बहुत बड़ा रोल है, औरतों का बड़ा रोल है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है और ये एकदम से तो नहीं आएगा मैं कहता हूँ, लेकिन हाँ हाँ धीरे धीरे बिल्कुल ये मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे परिवर्तन आ जाएगा। ये इसको हिजाब से शुरू करेंगे और हिजाब से शुरू करके धीरे धीरे मॉडर्न बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चारों तरफ से मॉडर्न एरिया में घिरा भी हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा कट्टरपंथी यही देश है, जिसे लिखता भी है रिपब्लिक इस्लामिक ऑफ ईरान। तो इस तरीके से यहाँ पर अयतुल्लाह खामेनी के टाइम से जो बड़े वाले थे उस टाइम से जो नरसंहार हुआ, अपने कमांडरों को मारा और उसकी सख्ती की, तो उसकी वजह से वहाँ की जो सेना भी है वो भी इनके दबाव में काम करती है, वहाँ के पॉलिटिकल लोग भी इनके दबाव में काम करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इस बात को समझेंगे कि सुप्रीम कमांडर ये क्या एक टाइम मिला है जो देश में एक परिवर्तन चाहते हैं, और परिवर्तन के लिए हमें जो राष्ट्रपति बेहद अहम बात कर रहे हैं मोहम्मद अमीन साहब कि ये ईरान के पास मौका है बदलाव लाने के लिए, वहाँ की सेना के लिए भी मौका है कि कह दे जनता ने सुना नहीं सरकार और नई बयार के साथ वो सत्ता को ग्रहण करिए। हमारे साथ अनिल गौड़ जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। गौड़ साहब, ये जो नतीजे हैं क्या अमेरिका से प्रभावित हैं? कारण क्या है कि जब ये चुनाव हो रहे थे तो बार बार कहा जा रहा था हेलीकॉप्टर हादसे में मरे राष्ट्रपति इब्राहिम की मौत के पीछे भी अमेरिकी एजेंसियों का हाथ है, हालांकि जांच में ऐसा कुछ सामने नहीं आया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अमेरिका ईरान के चुनाव को प्रभावित करता है और कर सकता है। आपको इसमें कितना तथ्य समझ में आता है अनिल गौड़ जी? ऐसा है जी कि अमेरिका जो है ईरान के नहीं दुनिया की हर जगह वो टांग अपनी अड़ाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसका जो आम है ये टांग अड़ाने का हर जगह वो है CIA। और आज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब तक तकरीबन 136 कंट्रीज के अंदर उसने कोशिश की है, मतलब कि आप ये लगा लीजिए कई कंट्रीज ने इसे दो दो दफा भी किए तभी 136 हुई है। और इसमें चीन से लेकर ईरान से लेकर इवन हिंदुस्तान में उसने कोशिश की थी कि भाई जो है गवर्नमेंट अपने हिसाब से कोई बनाई जाए, और आपने देखा उसका हाल क्या है दुनिया के अंदर, मिडिल ईस्ट का हाल देख लीजिए क्या है, कि जहाँ उसने पहले तो डिक्टेटर खड़े किए, डिक्टेटर खड़े करने के बाद में जब वो डिक्टेटर उनके साथ नहीं चले तो उनको उससे सफाया किया, जैसे वो सफाया हुए तो हालत देख लीजिए क्या है, ईरान की हाल देख लीजिए क्या है, सीरिया में देख लीजिए वो तख्तापलट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या हाल है वहाँ पे। इसके अलावा जो आप ये देख लीजिए यहाँ पे इराक में क्या हुआ है, ईरान में जो है बड़ी कोशिश की उन्होंने पर जो कट्टरपंथी आ गए। अनिल गौड़ साहब, आप कह रहे हैं कि ये बुली करने के आदि है, अमेरिका बुली करने का आदि है, लेकिन आंतरिक सुधार के लिए जब आवाज उठ रही थी ईरान में तो ये तो साफ था ना कि जनता की मांग थी हिजाब से मुक्ति, उसके लिए बड़े तौर पे लंबे 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 प्रदर्शन हुए, महीनों महीने चले, उसके बावजूद भी वहां की सरकार झुकी नहीं। जी ऐसा है, कट्टरवाद के खिलाफ जो है ईरान के अंदर जो एक मुहिम चल रही है वो देर से चल रही है, और उसके अंदर जो है औरतों का हाथ बहुत बड़ा है, जिसके अंदर कई जाने ली गई हैं औरतों की, और उसमें जो है लोगों ने आपने पीछे कई वीडियो देखे होंगे जिसके अंदर लोगों ने जाके ये जो इनके जो मुस्लिम क्लरिक्स हैं वो सड़क पे चल रहे हैं, उनकी टोपियां तक उछाल दी, और बहुत बड़ा ये मुहिम चली है और अभी भी चल रही है, क्योंकि जिस हिसाब से जब ये खोमेनी आए और ये जो रानी रेवोल्यूशन हुआ तो उसके अंदर जिस हिसाब से ये कट्टरवाद का आया औरतों के ऊपर हिजाब और बाकी चीजें, लेकिन ये सारे जो मुल्क हैं चाहे वो लेबनान है, लेबनान तो स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट कहते थे, ईरान है, इराक है, सारे जो कंट्रीज हैं ये इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले जो हैं ये सारे बड़े वेस्टर्न से, इवन अफगानिस्तान अगर आप 70 के दशक की फोटो देखिए अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ लड़कियां जो हैं वो स्कर्ट वगैरह पहन के यूनिवर्सिटी जाती थी। तो आप कह रहे हैं अनिल गौड़ साहब कि सहनशीलता जैसे खत्म हुई वैसे ही कट्टरपंथ ने नया रूप ले लिया, लेकिन अब सवाल फिर है कि अगर मसूद आते हैं तो क्या लगता है ईरान का नजरिया फिलिस्तीन के लिए और इजराइल के लिए बदलेगा, या ऐसे ही ईरान पहले की तरीके से आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देता रहेगा? अनिल गौड़ जी देखिए,
इसके अंदर जो ये है प्रेसिडेंट का ज्यादा रोल नहीं है उसका फॉरेन पॉलिसी के अंदर, रोल जो है वो सारा सुप्रीम लीडर का ही है। और ईरान जो है वो तो एक ऐसा कट्टरपंथी देश है कि उसने तो कहा है कि भाई इसराइल का जो है नामो निशान जो है दुनिया के से मिट जाना चाहिए, जितने ये यहूदी हैं इनका नामो निशान मिट जाना चाहिए। तो ये वो जो पॉलिसीज हैं मेरे को लगता नहीं कि उसके अंदर कोई कमी। आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ईरान ने कहा था, हालांकि हेलीकॉप्टर हादसे में शिकार राष्ट्रपति इब्राहिम भी कुछ इसी तरीके की बात कहते थे कि नामो निशान मिटा देंगे, लेकिन फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं है राष्ट्रपति इब्राहिम। अब उनके सक्सेसर बन के उनके सक्सेसर के तौर पे सामने आए हैं मसूद। अब मसूद जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये बड़ा सवाल है, और कहाँ तक कर पाएंगे। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, आप तो ईरान की परिस्थितियों को खूब अच्छे खासे जानते हैं, सुप्रीम लीडर की क्या दखल होगी अब ऐसे मौके पे और ऐसे मोड़ पे? नहीं देखिए, अब समय परिवर्तनशील है, परिवर्तन हो चुका है, और अब सुप्रीम लीडर को भी देखना होगी। देश में जनता ने उनको जो उनका कट्टरपंथ था उसको नकार दिया है, उसके आप देखिए इससे बड़े फायदे होने वाले हैं। अगर ये कट्टरपंथ में दूर कर लेने में कामयाब हो गए, और मैं समझता हूँ कि ये हो जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर इससे हो जाता है उससे क्या हमारे देश के भी बड़े अच्छे संबंध रहे हैं और संबंधों में विस्तार होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि धीरे धीरे अगर ये इनका सैंक्शन हटती गई तो वहां से हमारे यहाँ इंडिया में तेल आयात होगा। फिर आप देखिए इनके जो रास्ते हैं, या यूएई है, इराक है, तुर्की है, यहाँ पे जाने के हमारे जो कनेक्टिविटी है, और चीन, इसमें कनेक्टिविटी हमारी इंडिया की बढ़ जाती है। फिर इनका जो चार बहार है उसके वजह से आप देखिए हमारे क्या है कि अफगानिस्तान और एशिया में जो है सेंट्रल एशिया में हमें पहुंचने में आसानी होगी, रशिया में, इससे कि बहुत कुछ फायदे होने वाले हैं इंडिया के। तो ये तो हमारी कुछ बायलेटरल है, इनमें बायलेटरल हमारे समझौते हैं चार बार में भी, तो इससे देखिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त मसूद को कुछ छूट मिलनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उन रिजल्ट के तहत मैं समझता हूँ कि इनको 100% ये जो सुप्रीम कमांडर हैं उन्हें भी स्थिति को भांपा होगा, देखा होगा कि पहले में और आज में बड़ा परिवर्तन है। लेकिन हाँ, इनको इतनी छूट नहीं मिलेगी कि ये ज्यादा जिस तरीके से इसराइल है इसके इसराइल के लिए तो ये रहेंगे अगेंस्ट में, चूंकि इनके उनकी फॉरेन पॉलिसी भी है, उनकी कंट्री की पॉलिसी भी है, और उनके कट्टरपंथी जो सुप्रीम कमांडर हैं उनकी भी यही है सोच है। मोहम्मद अमीन साहब, एक बेसिक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने बेलाव साव नामक लोकगीत सुना होगा जो आपने अपने चैनल पे भी अभी चलाया। यह इटालियन प्रोटेस्ट फोक सॉन्ग था, इटली का सॉन्ग था, जो किसान होते थे वो अपनी दुविधा नहीं जाहिर कर पाते थे, तो एक गीत के रूप में इसको गाया गया। यह गीत पारसियन भाषा में ईरान की महिलाएं गाने लगी। मतलब ईरान की सत्ता को क्या नहीं मालूम था कि उनकी महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, वो ज्यादती को नहीं पसंद कर रही है? नहीं नहीं, ये फारसी में जो गीत गाया गया ये ऐसा नहीं है कि कोई आपको पता है और हमें पता है, पूरे देश को उनके पता होगा, पूरे देश में सॉन्ग चला होगा, फारसी में है ये, फारसी में उनकी लैंग्वेज है, फारसी बोलते हैं ईरानी, तो उन्होंने उनकी भाषा में था, और ये बिल्कुल क्लियर कट था कि वो एक परिवर्तन चाहते हैं। वो परिवर्तन कहाँ से, घरों से शुरू हुआ, लेडीज से शुरू हुआ, जिनके लिए हिजाब की पाबंदी लगाई गई थी और उन पर सख्तियाँ की गई, यहाँ तक कि आपने कहा बताया कि उन्होंने अपने कपड़े तक उतार दिए जब, और उनको सजाएं दी गई, बहुत बुरी तरीके से सजाएं दी गई, उनके ब्यूटी पार्लर हटा दिए गए, उनके सैलून हटा दिए गए, इस तरीके से उन्हें तोड़ा फाड़ी की गई, मार्केट में जहाँ मिल जाती थी लड़कियाँ या औरतें, अगर उनका हिजाब खुला होता था उनको पुलिस वाले ले जाते थे, उठाते, उनके साथ सख्ती होती थी। तो इन सब बातों से तो देखिए, अब वो पुराना जमाना चला गया, जो पुरानी सदी की बातें हुआ करती थी, 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी की। मोहम्मद अमीन साहब, बस एक चीज पूछना चाहता हूँ, इन गुलामी की निशानियों को हटाने का श्रेय किसे देंगे आप, ईरान की मजबूत महिलाओं को या पूरी जनता को? देखिए मैं इस मामले में जो दूंगा, मैं ईरान की जो जनता है उसको क्रेडिट जाता है, उसने किया इस काम को। चूंकि आप देखिए संचार माध्यमों में देखिए, आप चाहे मोबाइल हो, चाहे इंटरनेट हो, या कुछ टीवी हो, उसमें सब में बहुत कुछ आता है एडवांसपन, तो एडवांसपन को देखते देखते इन लोगों में परिवर्तन आया है, और उन्होंने अपनी हौसले ज़दाई की है, इसके तहत उन्होंने चाहा है कि परिवर्तन हो, और उन्होंने परिवर्तन करके दिखा दिया है। ये अनिल गौड़ साहब, अगर आज की परिस्थितियों में देखा जाए तो बदला हुआ ईरान भारत के लिए कितना बेहतर साबित होगा, वो भी तब जब भारत अमेरिका के करीब जा रहा है, रशिया से बेहतर संबंध है, और
रसिया चीन के साथ, उत्तर कोरिया के साथ, ईरान के साथ अपने संबंध बनाए हुए है, तो भारत के लिए कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं आने वाली आगे कुआं पीछे खाई? नहीं, वो क्यों आएगी? देखिए, ईरान के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, रशिया के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है जी। और हमारे मिनिस्टर ने बड़ा क्लियरली कह दिया हुआ है, देखिए इंडिया फर्स्ट। जब यूरोपियन यूनियन वालों ने ये सवाल उठाए थे कि देखिए जी यूक्रेन की लड़ाई हो रही है और आप रशिया से तेल ले रहे हैं, तो उसमें दो टूक जवाब दिया था हमारे मिनिस्टर ने उनको कि भैया हमने अपनी अपना देखना है, हमने आपको नहीं देखना कि आपकी क्या जरूरत है, हमने ये देखना कि हिंदुस्तान की क्या जरूरत है। और आज हिंदुस्तान को ईरान के साथ, देखिए ये जो नए प्रेसिडेंट बने हैं, ये सबसे पहले चाहेंगे कि वो जो न्यूक्लियर ट्रीटी थी जो रद्द कर दी गई है उसको रिवाइव किया जाए, ताकि जो इनके ईरान के ऊपर सेंक्शन लगे हैं वो सेंक्शन उठाए जाए, ताकि ईरान से, और हिंदुस्तान भी ये चाहेगा कि वो सेंक्शन उठाए जाए ताकि ईरान से तेल लिया जाए, क्योंकि जब सेंक्शन लगे हैं तो ईरान से तेल बंद कर दिया इन्होंने। और दूसरा जो चाहबार पोर्ट के लिए भी है, वहाँ पे भी जो है अमेरिका ने एक बड़ी वार्निंग दी है कि देखिए जी आपको पता है कि सेंक्शन है और आप अगर इनके साथ करेंगे तो हम आपके ऊपर सेंक्शन लगाएंगे। वो लगाए ना लगाए बात अलग है, जैसे कि हमने S-400 लिया तब भी उन्होंने कहा था कि सेंक्शन लगाए, पर वो वेवर दे दिया। तो ये जो चीज़ है हिंदुस्तान के लिए तो बात विन-विन सिचुएशन हो जाएगी कि ईरान के जो रिश्ते हैं वो बाकी दुनिया के साथ ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा जो ट्रेड है वो ईरान के साथ अच्छा हो जाएगा, हमारे ऑयल इंपोर्ट जो है वो अच्छी हो जाएगी, हमारा चाबहार पोर्ट की उधर से हमारे को जो हमने जो एक जो कॉरिडोर बना रहे हैं हम, यूरोपियन कॉरिडोर जो अल्टरनेटिव है जो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव का, वो चालू हो जाएगा, वो चालू हो जाएगा। तो यानी मौजूदा समय की ईरान सरकार भारत के लिए फेवरेबल है और आने वाले समय में ईरान और भारत के संबंध एक नए स्तर पे जा सकते हैं, और सारी परिस्थितियां ऐसी और इशारा कर रही हैं कि अमेरिका भी ईरान में इस परिवर्तन से खुश है और रसिया भी खुश है। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए APN News के साथ।